सिने अभिनेत्री श्रीदेवी को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा से पहले उनका सुहागिनों की तरह सिंगार किया गया। सारी परंपराओं को पूरा करने के बाद राजकीय सम्मान से उन्हें विदाई दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्थिव देह के अंतिम श्रृंगार के समय उनके मुंह में सोने का टुकड़ा भी डाला गया। ये कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा कि ऐसा क्यों किया गया। उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी सफेद चीजों से की गई, जो कि उनकी अंतिम इच्छा के कारण थी। लेकिन श्रीदेवी की पार्थिव देह के मुंह में सोने का टुकड़ा जिज्ञासा और चर्चा दोनों का विषय रहा। वास्तव में ये अंतिम संस्कार का भारतीय परंपरा का हिस्सा है। परंपरा है कि जब भी कोई सुहागिन महिला मरती है तो उसकी पार्थिव देह के मुंह में सोने का पान रखा जाता है, जिसे स्वर्ण तांबूल कहा जाता है। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी के ज्योतिष वेद और कर्मकांड अध्यात्म शाला के डीन डॉक्टर राजेश्वरी शास्त्री मुसलगावकर के मुताबिक पूरे भारत में अंतिम संस्कार की परंपरा लगभग समान ही है। अगर विवाहित महिला मरती है तो अंतिम यात्रा से पहले उसे स्वर्ण तांबूल यानी सोने का पान खिलाया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में स्वर्ण तांबूल का मिलना कठिन होता है, इसीलिए लोग सोने का टुकड़ा मुंह में रखते हैं। ये उनके अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसी कारण अंतिम यात्रा में कुमकुम और हल्दी पूरे रास्ते पर छिड़कने की परंपरा भी है। हालांकि समय के साथ ये परंपराएं अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन श्रीदेवी के साथ ऐसा हुआ, देह संस्कार करने से पहले उनके मुंह में सोने का टुकड़ा डाला गया था। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।